हर टर्म पाना मोदी के लिए इतना आसान नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव के समय इतना बड़ा आंदोलन जो कि समाज के एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित करता है, ये कहना बेमानी है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान इस आंदोलन में है, बाकी जगह इसका असर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इसका संदेश, इसका अंडर करेंट देश भर के किसानों तक है, और इस वक्त सरकार जिस तरह से आतताइयों की तरह किसानों पर टूट पड़ी है, उसका मैसेज भी दूर दूर तक, गांव गांव तक पहुंच रहा होगा। आज ग्रामीण बंद था, ग्रामीण भारत बंद था, तो हर गांव तक ये खबर पहुंची ही होगी कि दिल्ली में उनके साथी सीमा पर बैठे हुए हैं दिल्ली की, उनके ऊपर लाठी गैस बरसाई जा रही है, टियर गैस चल रही है, पैलेट गन चल रही है। ये सारी चीजें अंततः नरेंद्र मोदी के लिए इस साल जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसकी राह को और कठिन करेंगे। प्रशांत जी ने सत्यपाल मलिक जी से बात की, हम लोग पहले भी दो तीन दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया के तमाम देशों में किसान आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भी किसी भी सरकार ने किसी भी देश में इस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश नहीं की है जैसे हमारे यहां हो रहा है। और तुर्रा ये कि हम लोकतंत्र की जननी कहलाते हैं, सीना ठोक कर हमारे प्रधानमंत्री देश दुनिया में कहते हैं कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, उस लोकतंत्र की जननी में देश के अन्नदाता से संवाद नहीं करना चाह रहे। जो भी बातचीत दो तीन राउंड की अभी तक हुई है वो सब उस स्तर की है जहां न कोई फैसला करने वाला है, न उनमें से किसी की हैसियत है कि माननीय प्रधानमंत्री की बिना मर्जी के इस तरह की बातचीत में कोई बात, कोई मांग मान ली जाए। संवाद के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है वो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब गोलियों के जरिए संवाद हो रहा है, टियर गैस के जरिए संवाद हो रहा है, लाठियां बात कर रही हैं किसानों से। और जितना ज्यादा मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार या हरियाणा की बीजेपी और खट्टर सरकार जितना ज्यादा किसानों पर जुल्म करेगी, लोकसभा चुनाव में उसके लिए उतनी ही राह कठिन होती जाएगी। हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से बीजेपी हताश दिखाई दे रही है, उसके मूल में एक बड़ी वजह यह है कि राम मंदिर के मुद्दे को जितना गरमाने की कोशिश की गई थी या जितनी उम्मीद स्वयं आरएसएस बीजेपी ने की होगी कि ये मुद्दा बहुत दिनों तक गर्म रहेगा, 48 दिन के प्रोग्राम बनाए थे अयोध्या में, ये रोज एक ना एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, घर घर चावल बांट दिए। इसके बावजूद 22 जनवरी से अभी 22 फरवरी नहीं आया है, 30 दिन से भी कम में उसका गुबार बैठ गया है जी। उसकी जो गर्मी थी वो ठंडी होती चली जा रही है। तो अब बीजेपी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नया नैरेटिव गढ़ा जाए, किस तरह हम चुनाव में जाएं, छोटे छोटे दलों को अपनी तरफ मिलाने का काम, जैसे जयंत चौधरी की पार्टी नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लेना, ये सारी चीजें मोदी शाह और बीजेपी की हताशा को जाहिर करने वाली हैं। मेरा मानना राजीव जी ये है कि ये हताशा और बढ़ेगी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आता जाएगा। मोदी शाह, उनकी सरकार और उनकी पार्टी अपनी हताशा को प्रकट करने के इससे भी ज्यादा गैर लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक तौर तरीके अपनाएगी। और जैसा जैसे जैसे वो ऐसे देखते हैं इसको राजीव जी, क्रमशः चलते हैं। आपने 2014 फिर 19 के चुनावों का उल्लेख किया है। 2014 में इस देश ने कोई गलती नहीं की अगर उस तरह से देखा जाए कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में 10 साल से एक सरकार थी, उससे शिकायतें थी, भले ही वे सब शिकायतें बाद में निराधार साबित हुई, जितने भी आर्थिक घोटाले उस वक्त सामने लाए गए, लिखित में माफी मांगी संबंधित व्यक्ति ने, लेकिन ठीक है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की मर्जी है, वो जब चाहे तब सरकार बदल दे, दूसरे को आजमाए। 2014 में उसने आजमाया, 2019 तक ब्रांड मोदी के गुब्बारे की हवा निकल चुकी थी। हम सब जानते हैं, बीजेपी खुद भी जानती होगी कि अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी की दूसरी बार वापसी भी संभव नहीं थी। दूसरा मौका भी मिल गया, अब हो गए 10 साल। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वादों की पोल खुल चुकी है। जितने आर्थिक घोटाले इन 10 सालों में हुए इतने तो पिछले 50 सालों में देश में नहीं हुए थे। कल जो फैसला आया वैसा किसी दुनिया के किसी और देश में अगर फैसला आया होता सरकार के खिलाफ,
जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर आया है, तो मुझे लगता है वहां तो सरकार का इस्तीफा हो जाता, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता। यूरोप में कई देशों में ऐसा हुआ है पिछले 10-20 सालों में, अदालतों के फैसले या सरकार पर लगे अच्छे पर इस्तीफे हुए हैं, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में। लेकिन हमारे देश में इस वक्त जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको कोई लाज शर्म नहीं है। अब इस चुनाव के मौके पर जो उनके सामने चुनौती, एक तो ये है कि 10 साल की विफलताएं उनके खाते में है। विपक्ष का एक ऐसा नेता जिसकी छवि को नष्ट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो अपनी राख में से फिनिक्स की तरह खड़ा हो गया। न केवल खड़ा हो गया बल्कि हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ा है। आपने पूछा उस यात्रा को असर होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है अब ये परीक्षा जनता की भी है कि जिस जनता के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पहले पैदल चले अब गाड़ियों में चल रहे हैं, वे जो सवाल उठा रहे हैं, वे जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, अब जनता को भी सोचना है कि ये उसके मुद्दे हैं, इनका समाधान, इनका निदान अगर ये नेता देने का वादा कर रहा है, जैसे एमएसपी का वादा अगर राहुल गांधी या कांग्रेस उनकी पार्टी कर रही है, तो जनता को, किसानों को, मजदूरों को उस पर भरोसा करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के सामने असली चुनौती ये है कि वे किसी बड़े मुद्दे पर देश को ठहरा नहीं पा रहे हैं। लगातार हर 15 दिन में एक पखवाड़े में, दो पखवाड़े में, 2-3 महीने में मुद्दे बदलते रहते हैं। वे चाहकर भी अपनी पिच पर विपक्ष को लेकर नहीं आ पा रहे। 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग, विपक्ष का गठबंधन या मजदूर संगठन या ड्राइवरों के संगठन, किसानों के संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग, ये लोग जो मुद्दे परोस रहे हैं, अब बीजेपी को विवश होकर उन मुद्दों पर, उस पिच पर, उस मैदान पर आना पड़ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही रविशंकर प्रसाद कुछ भी कह रहे हों, कितना हास्यास्पद बात है कि वे कह रहे हैं कि ये तो व्यवस्था, ये स्कीम पारदर्शिता के लिए लाई गई थी, यानी निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि सुप्रीम कोर्ट जिसे पारदर्शी नहीं मान रहा, जिसे असंवैधानिक मानकर फैसला सुना रहा है, फौरन से पेशतर उस स्कीम को बंद करने की हिदायत दे रहा, आदेश दे रहा है, और एक भूतपूर्व कानून मंत्री जो सरकार में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहा है, वो ये राग लाप रहा है कि ये स्कीम तो पारदर्शिता के लिए थी, चुनावी चंदे में ट्रांसपेरेंसी के लिए थी। यानी उसे भी मजबूरी में अदालत के या विपक्ष के पिच पर आना पड़ा, फिर भी उसके हाथ में कुछ था नहीं कहने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिन बीजेपी के लिए और कठिन होने जा रहे हैं, और अगर विपक्ष का गठबंधन उनके सांप्रदायिक मैदान पर, उनके बिछाए हुए एस्ट्रोटर्फ पर नहीं गया तो शायद वो अच्छा चुनाव लड़ पाएगा। अगर विपक्ष ने एक बार भी ऐसी कोई गलती की कि भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक एजेंडे में, हिंदू मुस्लिम एजेंडे में, मंदिर मस्जिद में फंसने की कोशिश की, तो उस मुद्दे पर बीजेपी से पार पाना किसी के बस का काम नहीं है। अगर देश की जनता को हार्डकोर हिंदुत्व ही चाहिए तो हिंदुत्व की फोटोकॉपी नहीं चलेगी बाजार में। इसलिए उस मुद्दे से कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को कई फुट दूर रहकर अपने मुद्दों पर अड़े रहना चाहिए। और फिलहाल आज की तारीख तक लगातार कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां अपने मुद्दों पर अड़ी हुई हैं और लगातार वे जनता के बीच तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुई हैं। आने वाले 2 महीने, 1 महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा राजीव जी। देखना यह होगा कि मोदी, शाह और उनकी बीजेपी कौन से नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती है और उसका